हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के जाने माने एक्टर अरुण बाली के अंतिम संस्कार के वक्त बेहद गमगीन नजारा दिखा। उनकी बेटियां पिता के लिए रोती नजर आई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका से आई दोनों बेटियों का था। वो दोनों पिता के जीते जी उनसे मिल ही नहीं पाई। पिता के निधन का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सीनियर एक्टर अरुण बाली का अंतिम संस्कार मुंबई की जोगेश्वरी विखरोली लिंक रोड स्थित प्रताप नगर शमशान भूमि में किया गया। उनके अंतिम संस्कार की सभी रस्में बेटे अंकुश ने पूरी की। अरुण बाली की दो बेटियां अमेरिका में रहती हैं। शनिवार सुबह जब वो मुंबई पहुंच गई तब एक्टर के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो गई। बेटियों की वजह से ही उनका अंतिम संस्कार एक दिन रोका गया। टेलीविजन और बॉलीवुड के जाने माने कलाकार अरुण बाली ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आज ही उनकी फिल्म गुड बाय रिलीज हुई और आज ही उनका निधन हो गया। आपको बता दें 79 साल के अरुण बाली म्यास्थेनिया ग्रेविस नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे थे जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। 79 वर्ष के अरुण बाली ने मुंबई में अंतिम सांस ली। कहा जा रहा है वो लंबे समय से बीमार थे। अरुण बाली काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। अरुण बाली की खराब तबीयत के चलते उन्हें कुछ महीना पहले अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अरुण बाली म्यास्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून रोग है, उससे जूझ रहे थे। ये बीमारी नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर के कारण होती है। अरुण बाली इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार थे जिनका जाना हर किसी को इमोशनल कर गया है। अरुण बाली के निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कई सेलेब्स ने दिग्गज एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अरुण बाली एक हंसमुख इंसान और कलाकार थे। वो किसी भी रोल में खुद को बखूबी ढालना जानते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट।